तो आज हम लोग रिएक्शन देने जा रहे केसरी जी का एक गाना है जो हमारे सब्सक्राइबर ने डिमांड किया है। गाने का नाम है फोटो कॉपी। बिल्कुल, फोटो कॉपी आपको समझ में आ गया होगा। और एक खेसारी भैया का गाना है और मेरे बहुत सारे भाइयों ने इस पे डिमांड किया है कि भैया इस पे जरूर लेके आइएगा। एक मेरे भाई ने तो इसका लिंक ही भेज दिया था, तो काफी हम लोग को आसानी हो गया वो खोजने पे और ज्यादा सर्च नहीं करना पड़ा। तो सबसे पहले तो मैं उन भाइयों का नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने डिमांड किया है इस गाने को लेके। तो पहला जो नाम है मेरे बिंदु तूरी भाई का है। वेलकम भाई, बहुत दिन बाद आप हमारे चैनल पे आए हो और बहुत दिन बाद आपका कमेंट आया है। तो पहले आप रेगुलर कमेंट किया करते थे, तो इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। उसका जो दूसरा नाम है वो राकेश भाई का है। उसका जो तीसरा नाम है वो लक्ष्मी पासवान जी का है। उसका चौथा नाम है वो अभिषेक जी का है। तो इन सभी चार भाइयों ने मिलकर इस गाने पे डिमांड किया है कि फोटोकॉपी सॉन्ग फिर जरूर रिएक्शन लेके आइएगा। तो आप सभी के डिमांड से बेस है आपका डिमांड वाला गाना। तो चलिए देखते हैं कि ये गाना आखिर होता कैसा है ना। तो चलिए अब ज्यादा बात नहीं करते और सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। टिप्स ओरिजिनल प्रेजेंट। अरे गेम चल रहा है। सही चल गई छोड़ी के अरब हो कुछ होई तो हम का करब। परेशानी है परेशानी। सही चल गई छोड़ी के अरब हो कुछ होई तो हम का करब हो। मन कोर भोजपुरी में मतलब ये भी नई हीरोइन। को पहिला धन पुराय करा हवाले का कोई नजर ये कहां कहां बर्बाद। काफी हो तो कहियो कह दी दे बाबा बापी को मोर जवानी के फोटो। काफी हो कहियो कह दी दे बाबा बापी को मोर जवानी के फोटो। काफी हो क्या बात है। अच्छा फोन पे बात हो रहा है ना। ये था गाना आपका और मतलब गाना का नाम ही था फोटोकॉपी और देख के काफी मजा आया। और मतलब एक एक टर्म ऐसा ऐसा टर्म यूज करते हैं भोजपुरी में कि आदमी सोच भी नहीं सकता कि इस पे गाना बन सकता है। फोटोकॉपी पे गाना कोई सोच सकता है बताइए आप? दूसरे कहीं नहीं सोच पाएंगे कि फोटोकॉपी पे गाना बन जाए। हर चीज पे गाना है भोजपुरी में, बस पता नहीं है हम लोगों को, है ना। मतलब ऐसा ऐसा यूनिक चीजों पे गाना बना है कि मतलब सुनने के बाद आप शॉक्ड हो जाएंगे कि इस पे कैसे गाना बन सकता है। तो एक से एक टैलेंटेड लोग हैं हमारे भोजपुरी में, जितने भी लिरिक्स राइटर हैं वो एक से एक है। और नए नए गानों गाँव से लड़के निकल के गाना दिख रहे हैं, क्योंकि मेरे खुद मेरा एक फ्रेंड है वो गाना लिखता है तो मुझे पता है थोड़ा, है ना। तो काफी मजा आया गाना सुनने के बाद। और
देख के ही लग रहा है काफी पुराना गाना है, तो मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच बिंदु तुरी भाई आपका, इसी तरह से प्यार और सपोर्ट करते रहिए। तो सबसे पहले तो तुमसे पूछेंगे कि तुमको कैसा लगा ये गाना? गाना मजेदार था, फनी लग रहा था, मेरे को बहुत ही ज्यादा फनी लग रहा था। गाना पुराना था पर आज भी एंटरटेनमेंट का फुल पैकेज है गाने में, तो मजा आया सुन के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए आपको थोड़ा बहुत गाने के बारे में बता देते हैं, क्योंकि ये जानना जरूरी है। तो गाना जो है सच में 3 साल पुराना गाना है, फोटोकॉपी गाना है, और टिप्स म्यूजिक पे ये जो गाना है वो रिलीज हुआ है ना, और सिंगर अपना खेसारी भैया है। इसे फीचरिंग जो है वो खेसारी भैया है और सृष्टि पाठक, जो हीरोइन जो इसमें नहीं थी वो उनका नाम सृष्टि पाठक है, क्योंकि हम लोग को भी देख के लग रहा था कि वो नई हीरोइन। उसके अलावा म्यूजिक जो है आशीष वर्मा जी ने दिया है, म्यूजिक जो लिरिक्स जो है वो कुंदन प्रीत जी का है। अच्छा, कुंदन प्रीत जी ने इस गाने को लिखा है, फोटो कॉपी गाना, तो मतलब मजा आ गया गाना सुन के। तो अगर अभी तक आपने इस गाने को नहीं सुना है तो उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जाइए और इस गाने को सुनिए और हमारा रिएक्शन भी देखिए, है ना। और लोग अपने फ्रेंड को दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी कमेंट करें और उनकी डिमांड पर गाना लेके आए। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जल्दी से जल्दी 7K कंप्लीट हो जाए। तो चलिए अब ज़्यादा बात करके वीडियो को लंबा नहीं करेंगे और सीधा मिलेंगे इसी तरह के दूसरे धमाकेदार वीडियो में। तो चलिए फिर, जय।